हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता श्रीवास्तव अर्जुन किचन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस समय होली का मौसम चल रहा है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ चने की दाल का दालमोठ। इसे कहते हैं, या आप इसे नमकीन भी कह सकते हैं। यह हमने ले लिया 300 ग्राम चने की दाल। इसे हम 2 से 3 पानी अच्छे से साफ धुल लेंगे। इसको हम 2 से 3 पानी धुल लेंगे स्ट्रेनर की हेल्प से और इसमें सारी गंदगी निकल जाए अच्छे से। फिर इसको मैं एक बार और धुल देती हूँ। तीन पानी से इसे मैं अच्छे से धुल ली हूँ और इसमें हम इतना पानी डालेंगे ताकि ये इसके ऊपर पानी रहे और ये अच्छे से फूल जाए। इसमें पानी हमें कम नहीं डालना है और इसमें हम खाने का 2 पिंच सोडा डाल देंगे जिससे हमारे चने की दाल है अच्छे से फूल जाए और उनमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए, जब तक अच्छे से फूल ना जाए, इसको हम ढक के रख देते हैं। इसको हमने 7 से 8 घंटे पानी में भिंगो दिए थे, या आप ओवरनाइट भी भिंगो सकते हैं। अब इसको हम स्ट्रेनर में छान लेते हैं। इसको हम 1 से 2 पानी और वॉश कर लेते हैं ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा इसमें स्टार्च होगा वो निकल जाएगा और इससे हमारे काफ़ी कुरकुरे दालमोठ बन के तैयार होंगे। इसमें कुछ हम नॉर्मल पानी से इसको धुल देते हैं। इसके पानी को सब छान लेते हैं। दाल को अच्छे से हमने छान लिया है। अब इसको पंखे की हवा में हम 1 से 1.5 घंटे के लिए डाल देते हैं ताकि अच्छे से इसके जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। या आप पोंछ भी सकते हैं इसे, लेकिन हम इसे 1 घंटे के लिए अगर हम डाल देते हैं पंखे में तो बहुत ही अच्छा इसका हमें दालमोठ बन के तैयार मिलेगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। फ्रेंड्स, इसको हमने 1 घंटे पंखे की हवा में रखे हैं और ये दाल एकदम ड्राई हो गए हैं। हमको बस इसी तरह चाहिए। और कढ़ाई में हमने तेल को हाई हीट के लिए गरम कर रहे हैं। हाई हीट में ही इस तेल को नमकीन को हम बनाएंगे। तेल हमारे अच्छे से गर्म हो गया, हमको हाई हीट ही रखना है तेल की। और इसमें हम डाल देते हैं चने की दाल और इसको हम फ्राई करेंगे इसमें। इसको हम 2 बार फ्राई करेंगे और इसको हमें चलाते हुए इसे फ्राई करना है। और देखिए, इसमें काफ़ी बबल्स हो रहे हैं। जब हमारे बबल्स ठीक हो जाए तब मैं इसे निकाल लूंगी कढ़ाई से। 5 मिनट हो गया है, इसको हमें चलाते हुए फ्राई करना है। अब हमारे तेल अच्छे से ठंडे हो गए हैं और जो बबल्स हैं काफ़ी कम हो गए हैं। अब इसी स्टेज पे हमारे जो है चने की दाल अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। सेकेंड बैच बना रहे हैं, उसको हम डालेंगे स्ट्रेनर और स्ट्रेनर में इसको डाल के हम फ्राई करेंगे, क्योंकि जो है इसको निकालने में दिक्कतें होती हैं। इसको हम चला देंगे, चलाते हुए इसे हम फ्राई कर लेंगे। चलाते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं और इसे बबल्स भी कम हो गए हैं और हमें हमारे जो है चने की जो दाल है वो अच्छी सी क्रिस्पी हो गई है। अब इसको मैं निकाल के प्लेट में रख लेती हूँ। 250 ग्राम हमने मूंगफली ले लिया है और इसको भी हम लो फ्लेम पे फ्राई कर देते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए मूंगफली को भून लेंगे। मूंगफली भी हमारी अच्छे से भून गई है। इसको चलाते हुए हमने 3 मिनट भुना है और अच्छे से मूंगफली चटकने लगी है। अब इसको हम इसमें का ऑयल अच्छे से निकाल लेंगे और गैस को करती हूँ ऑफ। अब चलती हूँ दालमोठ बनाने की प्रोसेस की ओर। बड़ा ले लेंगे मिक्सिंग का बाउल और इसमें हम डालेंगे अपने फ्राई किए हुए दालमोठ। और इसको हमें गरम गरम में ही इसमें हमें मसाले लगा देने हैं, जो अच्छे से मसाले जो है इसमें कोट हो जाए। आप एक टिश्यू पेपर में ये सभी को फ्राई करके निकाल दीजिए, जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। अब इसमें डालते हैं फ्राई किए हुए मूंगफली।
इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सिंग बाउल में। अब इसमें हम डालते हैं एक-एक करके इसके मसाले, जो हमें अच्छा फ्लेवर चटपटा देगा। इसमें हम एक छोटा चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, एक छोटा चम्मच हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच इसमें हम डाल देंगे काला नमक, एक छोटा चम्मच हम डाल देंगे व्हाइट नमक जो सादा नमक है उसे, और इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स याद रखें, इसमें हमें गरम ही गरम सारे मसालों को मिक्स करेंगे तो अच्छे से ये कोट हो जाएंगे, एक बराबर हो जाएंगे। और चख लीजिए आप, इसमें अगर नमक या मिर्च कम है तो आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया हमारा दालमोठ घर पे बन के इजली तैयार हो गया है। आप इसे घर में बच्चों के लिए बनाएं या खुद भी खाएं चाय के साथ, या आप होली में इसे बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, मेहमानों को खिलाएं। अब इसमें हम थोड़ा सा और लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हैं, थोड़ा ये तीखा कम है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए इसका कितना बढ़िया कलर आया, और इसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है। ये बहुत ही कुरकुरे बन के हमारे तैयार हो गए हैं दालमोठ। अब इसको हम सर्व करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स इसे आप 1 महीने तक एक टाइट कंटेनर में भी भर के रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे। अब इसको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स हमारा नमकीन बनाने का दालमोठ बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि यह दालमोठ बन के आपके कैसे तैयार हुए हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो इजली आप तक पहुँचे। फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।